कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। सड़कों में उतरे डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक न्याय, सुरक्षा और कड़े नियम नहीं बन जाते तब तक हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार पर मोदी सरकार काफी आक्रामक है। इसी बीच ममता बनर्जी के सांसद ने अपनी ही सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कहा जाए तो कोलकाता केस को लेकर सीएम ममता चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीएमसी के किस सांसद ने अपनी सरकार पर सवाल किए हैं और क्यों, इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आरोपी संजय रॉय का क्यों किया गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। दरअसल रविवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और इस टेस्ट के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स की एक टीम एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंची थी। इस टेस्ट के जरिए ये पता चल सकेगा कि इस जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी। सीबीआई की टीम आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेगी। अब ये भी जान लीजिए कि टीएमसी के किस सांसद ने अपनी ही सरकार से पूछ दिए सवाल। तो दरअसल टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे ने इसे लेकर ट्विटर पे पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि सीबीआई को इस मामले में साफ सुथरे ढंग से जांच करनी चाहिए। सांसद ने कहा कि दुष्कर्म और हत्या केस में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर से पूछताछ जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि ये सच जरूर सामने आना चाहिए कि आखिर महिला डॉक्टर के सुसाइड की कहानी किसने फैलाई। गौरतलब है कि डॉक्टर के परिजनों ने बताया था कि हॉस्पिटल से उनके पास जो पहला फोन आया था उसमें कहा गया था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ममता बनर्जी के सांसद ने यह भी पूछा है कि आखिर हॉल की दीवारें क्यों ढहा दी गई। इसके अलावा ये सच भी सामने आना चाहिए कि मुख्य आरोपी संजय रॉय के पीछे आखिर कौन था, किसने उसे संरक्षण दिया था और वो इतना मजबूत बनाया कि वो कहीं भी आ जा सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद ने यह भी पूछा है कि स्निफर डॉग का इस्तेमाल करने में 3 दिन का समय क्यों लिया गया। सांसद ने लिखा कि ऐसे में सैकड़ों सवाल हैं और इन सब का जवाब मिलना चाहिए। अब आपको बता दें कि टीएमसी सांसद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उधर पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में टीएमसी सांसद और बंगाली अभिनेत्री रचना बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बनर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीड़िता के नाम का जिक्र किया था। हालांकि टीएमसी सांसद ने इस वीडियो को डिलीट करते हुए माफी भी मांग ली। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 14 अगस्त की देर रात आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक इस मामले में कुल 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 14 अगस्त की देर रात आरजी कर अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे, पुलिसकर्मी उन्हें समझा रहे थे, लेकिन अचानक ये भीड़ उग्र हुई और अस्पताल में दाखिल हो गई। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी और इमरजेंसी वार्ड को तहस नहस कर दिया था। उधर कोलकाता पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। इनमें एक मामला गलत जानकारी फैलाने के लिए है तो दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर। इन दोनों ही मामलों में कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।